बस्ती जिले में एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी, एएसपी दीपेंद्र नाथ चौधरी के निर्देशन में छावनी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। सीओ हरैया शेषमणि उपाध्याय के नेतृत्व में एसओ छावनी दुर्गेश पांडे को बड़ी सफलता मिली। एसओ छावनी दुर्गेश पांडे ने गौकशी के लिए जा रहे 14 गौवंशों को ट्रक समेत बरामद किया। वहीं ट्रक में 2 गौवंशों की मौत हो गई। एसओ छावनी दुर्गेश पांडे ने मुखबिर की सूचना पर अयोध्या से बस्ती की तरफ जा रहे संदिग्ध वाहन को चेकिंग के दौरान बरामद किया। छावनी दुर्गेश पांडे ने चेकिंग के दौरान डीसीएम को करीब आने पर रुकने का इशारा किया तो चालक भागने का प्रयास करने लगा। एसओ छावनी दुर्गेश पांडे ने गाड़ी का पीछा किया, ये देख अमोड़ा पीएनबी बैंक के पास गाड़ी छोड़कर चालक फरार हो गया। बीती रात थाना छावनी अपने हमरा पुलिस बल के साथ अपने क्षेत्र की शांति व्यवस्था में लगे हुए थे, उसी दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना राम जानकी तिराहे पर एक वाहन को जो कि संदिग्ध प्रतीत हो रहा था उसे रुकने का इशारा किया गया। पुलिस बल को देखकर वह वाहन राम जानकी तिराहे पर दाहिने मुड़कर राम जानकी मार्ग की तरफ भागने लगा और जिसका पुलिस बल द्वारा पीछा किया गया, तो आगे रात्रि और अंधेरे का लाभ उठाकर वो वाहन को खड़ा करके और उसमें से जो भी वाहन चालक था व अन्य लोग बैठे थे उतरकर भागने में सफल रहे। पुलिस बल द्वारा मौके पर जाकर जब वाहन को चेक किया गया तो उसमें 14 गोवंश क्रूरता के साथ बांधे हुए लदे हुए पाए गए और उन सभी को उस वाहन को चलवाकर गो संरक्षण स्थल ले जाया गया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।